नमस्कार दोस्तों, आज 8 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए चार इंट्राडे स्टॉक्स। सबसे पहले अगर यूएस मार्केट को देखा जाए तो डाउ जोन्स और S&P 500 में एक फ्लैट ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, जबकि हम नैस्टैक में एक मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग यहां पे आज देख सकते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स में आज यहां पे एक मार्जिनल अपसाइड यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, तो कल ये आपको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहां पे एडीआर लेवल्स की ओर देखा जाए तो ज्यादातर केसेस में आपको एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिलेगा, तो कल यहां पे आप अपना ट्रेड इनके क्लोजिंग के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्टॉक लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। अपने लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, आज यहां पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक यहां पे 132 के लेवल्स पे तीन बार यहां पे एक रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद आज यहां पे एक ब्रेकआउट को एक भारी वॉल्यूम के साथ देखा जा सकता है। करंटली स्टॉक अपने इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर कल ये इस लेवल को सस्टेन करता है और इस लेवल के ऊपर अगर ये ओपन होता है तो आपको इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में, जिसमें आज अराउंड 4.5% का एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक के ऑर्डर बुक से कल इसमें आपको एक फ्लैट ओपनिंग अदरवाइज एक गैप ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जिस बात को आप इसके फ्यूचर लेवल से भी जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर कल ये 140 के लेवल्स को यहाँ पे रिक्लेम करता है तो आप इसमें अपना बाई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, और उस सिनेरियो में आपको 142 और 143.5 तक यहाँ पे दो टारगेट बाई साइड में देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, इसमें भी आज एक स्ट्रॉन्ग रैली को यहाँ पे एक ब्रेकआउट के तौर पे देखा जा सकता है। स्टॉक यहाँ पे 62 के लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। करंटली ये अपने इंट्राडे हाई पे जाके आज अपना क्लोजिंग दे रहा है, जिस लेवल पे कल अगर ये सस्टेन करता है तो आपको इसमें एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक, जिसमें आज अराउंड 10% का एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिल जाता है। इसके ऑर्डर बुक से कल भी ये आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस बात को यहाँ पे इसके फ्यूचर लेवल से भी जाके कंफर्म किया जा सकता है। तो अगर कल ये 66 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आप इसमें अपना बाय ट्रेड जाके इनिशिएट कर सकते हैं, और उस सिनेरियो में आपको 67.5 और 68 तक दो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इससे हमारे मोटिवेशन बढ़ती है और हमारा वीडियो काफ़ी दूसरे लोगों के पास भी यहाँ पे YouTube रिकमेंड करता है। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे एक प्रीमियम सर्विस को लॉन्च किया है, जिसके मदद से आप अपने पोर्टफोलियो मैनेज करवा सकते हैं या फिर आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेड रिलेटेड जानकारी हमारी ओर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक यानी मेरा पर्सनल टेलीग्राम लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सब प्रीमियम सर्विस के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है, इसमें पिछले कुछ दिनों से देखे जा रहे साइडवे ट्रेंड के बाद आज इसमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक इस लेवल को ब्रीच करने के बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा तेज दिखा और इसने यहाँ पे आज अराउंड 10% के अपसाइड के साथ अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर कल ये इस लेवल को यहाँ पे सस्टेन करता है और इसके ऊपर अगर ये ओपन होता है तो आपको इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कल दिखाई दे सकती है। तो स्टॉक है यहाँ पे वॉकआउट लिमिटेड, जिसमें आज यहाँ पे 10% का एक स्ट्रॉन्ग रैली को हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे करंटली क्लोज हो रहा है और इस लेवल पे भी यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बाई साइड में देखने को मिल जाता है। तो कल अगर ये गैप अप ओपन होता है तो आपको 490 के ऊपर इसमें दो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और उस सिनेरियो में आप 495 और 498 तक यहाँ पे बाई साइड में दो टारगेट जाके प्लान कर सकते हैं। और आखिरकार जो फोर्थ स्टॉक है, इसमें आज पिछले तीन दिनों में देखे गए रैली के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक आज काफ़ी वोलेटाइल रहने के बावजूद हम इसमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 1650 के नीचे यहाँ पे ओपन होता है तो आपको इसमें फर्दर एक प्रॉफिट बुकिंग कल के ट्रेडिंग आवर्स में दिखाई दे सकती है। तो स्टॉक है IRCTC, जिसमें पिछले तीन दिनों में हमें अराउंड 20-25% तक एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे देखने को मिल चुका है।
अभी के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन के चलते प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखाई दे सकता है, जिस बात को यहाँ पे ऑर्डर बुक से हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो 1650 के नीचे अगर कल ये सस्टेन करता है तो आपको 1630 और 1625 तक के दो टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और अगर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करने में कोई इशू है या फिर अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने अपने चैनल पे एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। वॉल स्ट्रीट के रिकॉर्ड रैली के बाद अगर आज हम निफ्टी के लेवल्स को देखें तो ये 13,400 के नीचे आज रिकॉर्ड लेवल्स पे ओपन हुआ। बाद में इसमें दिन भर एक वोलेटिलिटी के चलते इसने 14,434 के करीब अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे फॉर्म किया और फाइनली इसने 14,392 पे यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग दिया है। अगर डेली कैंडल के बेसिस पे इसे देखा जाए तो यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन फिर से कल आपको यहाँ पे 13,400 के लेवल्स रिक्लेम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर यहाँ पे वीकली ऑप्शन चेन डेटा को देखा जाए तो पुट लेवल्स पे 13,300 के ऊपर करेंटली 32,60,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिल्डअप होता हुआ देखा जा सकता है। तो कल ये लेवल हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जिसके टूटने पे मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई दे सकती है। अगर कॉल साइड पे देखा जाए तो 13,300 की स्ट्राइक पे यहाँ पे मोर देन 6,00,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अनवाइंड होता हुआ आपको दिखाई देगा, जिस लेवल पे आप यहाँ पे 13,400 के ऊपर एक कॉल राइटिंग को देख पाएंगे। तो अगर कल निफ्टी 13,300 के स्ट्राइक को यहाँ पे सस्टेन करता है और इसके ऊपर अगर ये ओपन होता है तो आपको 13,400 के करीब यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर यहाँ पे 13,400 के ऊपर निफ्टी एटलीस्ट हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स तक अगर ये सस्टेन करता है तो आपको इसमें एक कंसोलिडेशन के चलते यहाँ पे साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखा जाए तो ये भी आज 30,000 के ऊपर ही यहाँ पे ओपन हुआ। 30,286 पे आज यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट दिन भर यहाँ पे काफी वोलेटाइल रहा। स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और फिर से बाइंग आने की वजह से फाइनली इसने 30,261 पे अपना एक फ्लैट क्लोजिंग किया है। डेली कैंडल्स पे इसमें भी एक कंसोलिडेशन को कल यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये 30,000 के लेवल को अगर ये सस्टेन करता है। अगर 30,000 का लेवल यहाँ पे टूटता हुआ आपको दिखाई दे तो आपको यहाँ पे निफ्टी में बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे इनिशिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका 9 डे का EMA लेवल हम 30,000 के लेवल के जस्ट नीचे ही यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर वीकली ऑप्शन चेन डेटा से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखा जाए तो 30,000 के ऊपर ही हमें करेंटली 9.70 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप दिखाई देता, तो हम कल ओपनिंग के वक्त इसे एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके टूटने पे अगला सपोर्ट आपको 9 डे के EMA लेवल के नीचे 29,500 के करीब यहाँ पे दिखाई दे सकता है। कॉल साइड पे हमारे लिए 30,000 का लेवल यहाँ पे काफी क्रूशियल है, क्योंकि इस लेवल पे करंटली कॉल्स अनवाइंड हो रहे हैं, जिसे हम हायर साइड पे यहाँ पे ऐड होता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कल बैंक निफ्टी को 30,200 को यहाँ पे सस्टेन करना है, अदरवाइज कल से हम इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है तो आप 30,500 को अगला रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए कल आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड जाके प्लान कर सकते हैं और इससे आपको अपना स्टॉक रियल टाइम सिलेक्ट करने में भी काफी मदद मिलेगा। तो अगर आप हमारा जो प्रीमियम सर्विस रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रीमियम सर्विस है तो आप इसके लिए अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपके साथ ऐसे ही मार्केट रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं। तब तक के लिए नीचे नोटिफिकेशन बेल आपको दिखेगा उस पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इससे आपको वीडियो और अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगले किसी वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।